सबसे पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे वीडियोस में इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। स्पेशली जो ट्रिपल एस का क्लोथिंग हॉल वीडियो था उसमें तो आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसीलिए आज मैं ट्रिपल एस से ही फुटवेयर शेयर करने वाली हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनुज फूड एंड फैशन। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन हाय, माय नेम इज़ मनीषा। मैं अपने चैनल पे कुकिंग, बेकिंग, फैशन, ब्यूटी, मेकअप, डीआईवाई और ऑनलाइन शॉपिंग और रिव्यू हॉल के बारे में डिस्कस करती हूँ। अगर आप सबको इन सब में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो एज यू नो कि आज का वीडियो ट्रिपल एस के फुटवेयर के ऊपर है। मैंने ट्रिपल एस से कुछ फ्लैट्स मंगाए हैं जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी और आप सबको दिखाऊंगी और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आप सबको पता नहीं है कि ट्रिपल एस यानी कि स्ट्रीट स्टाइल स्टोर क्या है तो इसके बारे में मैं क्विकली आप सबको बता दूंगी। मोर डिटेल्स के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो जो कि ट्रिपल एस का क्लोथिंग हॉल है उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। सो ट्रिपल एस यानी कि स्ट्रीट स्टाइल स्टोर एक इंस्टा बेस्ड स्टोर है जिसका मेन स्टोर दिल्ली में है। इस पर COD भी अवेलेबल है और आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी टाइम और रिटर्न पॉलिसी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हमेशा ही ऑफर चलता रहता है, लाइक 3499, 3499 और 341199। सो आज मैंने 3499 में से फ्लैट्स लिए हैं जो कि इस तरह के पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का वेबसाइट, तो देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन। ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3499 यानी कि एक पेयर का पड़ गया 333 रुपीज़। ये एग्जैक्टली जारा और H&M के कॉपी टाइप के हैं, वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये कॉलेज गोइंग पर्पस के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इन्हें 2-3 बार पहन लिया है, बहुत ही कम्फर्टेबल है ये, लेकिन चलने पर थोड़े ऐसे टक टक इस तरह की साउंड आती है, बाकी तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और पीछे से ऐसे लाइनिंग दे रखी है, एज यू कैन सी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन पिक्चर में ये कुछ डिफरेंट कलर के दिख रहे थे और यहाँ पे लाइक मस्टर्ड येलो कलर में आए हैं। फिर भी ठीक ही है, ये अच्छे लगे हैं मुझे, क्वालिटी भी अच्छी है। आगे से ऐसे रफल डिटेलिंग दे रखी है और आगे से इसमें जो स्क्वेयर कट है ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया। और ये अच्छे से इलास्टिक मिल जाती है यहाँ पे, ये देखिए, ये मुझे अच्छे लगे हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मेरे दूसरे वीडियोस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। ये भी पहले वाले की तरह ही सेम है, बस इसमें यहाँ पे स्क्वेयर नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल सेम है और डिज़ाइन भी सेम है। यहाँ पे इलास्टिक है और ये भी रफल डिटेलिंग है, इनमें भी ऐसे लाइनिंग दे रखी है। मैंने इन्हें वाइट कलर में परचेस किया था लेकिन मुझे ब्लैक कलर में रिसीव हुए, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्वालिटी वाइज तो ये बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने वाइट मंगाया था इसीलिए मुझे बुरा लगा। और इनकी एक बात अच्छी नहीं लगती कि हम इसे रिटर्न नहीं कर सकते, लाइक मैंने वाइट में ऑर्डर किया था, मुझे ब्लैक रिसीव हुए, तो मैं सिर्फ साइज़ ही एक्सचेंज कर सकती हूँ। लाइक मेरा पहले वाले फ्लैट्स में भी साइज़ था 38, जो कि मेरा ओरिजिनल साइज़ है, और इसमें भी 38 ही है। लाइक मुझे अगर 40 साइज़ में चाहिए होगा तो मैं एक्सचेंज करा सकती हूँ, लेकिन कलर एक्सचेंज नहीं होता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो देखते हैं पहनने के बाद ये कैसे लगते हैं। Thank you.
लेकिन जो लास्ट प्रोडक्ट है इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, वो है ये। देखने में बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन ये जिनके पैर थोड़े स्लिम टाइप के हैं उनके लिए ठीक रहेगा ये, लेकिन जिनके पैर थोड़े वाइड टाइप के हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। पहनने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने है ही नहीं, फिट ही नहीं आएंगे अच्छे से। आप ट्राई ऑन हॉल सेक्शन में देख पाएंगे। इसमें भी मैंने साइज 38 ही लिया था, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ही छोटू सा है। अगर इतना सा होता, थोड़ा बड़ा होता तो अच्छे से हो जाता पैरों में। बाकी पीछे से यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं है, पहले वाले में लाइनिंग थी, इनमें लाइनिंग भी नहीं है, जिसके वजह से चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्वालिटी ठीक ठाक ही है, आप ट्राई एंड हॉल सेक्शन में देख पाएंगे, बहुत ही बुरे लग रहे हैं मेरे पैरों पे। और इनमें रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, तो मैंने रिटर्न भी नहीं किया। तो ये थे आज के प्रोडक्ट, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।